आईडीटीवी की खास न्यूज। पंजाब थाने में रात को 10 बजे के करीब एक इतला आई है, एक आदमी अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है पंजाब विभाग पावर हाउस मेट्रो स्टेशन के पास मेन रोड में, और उसको संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में PCR में लेके जाया। वहाँ मौके पे जाकर देखा है तो वहाँ पर ब्लड स्पॉट ब्लड स्टेंस वगैरह पड़ा हुआ था, और संजय गांधी हॉस्पिटल में आदमी ब्लड टेस्ट डिक्लेयर किया हुआ था, तो मर्डर केस इसमें रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन टेकअप किए हैं, और ACP पंजाब सतीश यादव के सुपरविजन में इंस्पेक्टर SHO पंजाब HSP सिंह और उनके टीम PSI संदीप दवास एंड कॉन्स्टेबल विजेंद्र सिंह SI मनोहर लाल और इंस्पेक्टर राजेश देशपांडे, ये सारे उसमें इन्वेस्टिगेशन टीम में थे। ये डेड बॉडी को जब देखा है तो राइट साइड चेस्ट में बहुत मार्क था और एक इंजुरी थी और फोर हेड में भी इंजुरी था, तो उस बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। पोस्टमार्टम कंडक्ट हुआ है, पोस्टमार्टम में ये पता चला ये ही वॉज शॉर्ट डेड और अंदर गोली मतलब ब्लड फंसी हुई है, और इस बेसिस पे इन्होंने वो चेक किया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और उसका मोबाइल मिल गया था वहाँ पर, उस मोबाइल से पता चला ये इसका नाम कन्हैया डे और एक साइंटिफिक सिक्योरिटी एजेंसी है मानसरोवर गार्डन कीर्ति नगर में, वहाँ पर ऐसे प्यून ऑफिस असिस्टेंट काम कर रहा था, और इसको कंपनी वालों ने 10 मोबाइल दे करके मुरादाबाद में हैंडओवर करने के लिए भेज रहे थे, और वो 10 मोबाइल का पैकेज है वो मिसिंग था। फिर इस बेसिस पे फर्दर इसकी कॉल डिटेल्स वगैरह निकलवाया और जो मोबाइल फोन मिसिंग थे उसको भी सर्विलेंस में रखा था। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के थ्रू एक दलित नाम का ऑटो ड्राइवर है, वो भी नांगलोई का है, ये कन्हैया डे भी नांगलोई का है, उसी दलीप के इन्वॉल्वमेंट पता चला, और दलीप है ऑटो ड्राइवर, और उसको जब पकड़ा है उसने इंटरोगेशन में ये बताया था, वो और एक सुल्तान सिंह अशोक मोहल्ला नांगलोई का है, वो मिल करके रात के टाइम में सवारी को लेके जाते हैं और ऑन दी वे में लूट लेते हैं अगर उस सवारी के पास कुछ पैसा या वैल्यूबल्स होता है, तो इसमें इनको साथ देने वाले हैं। और दो लड़के थे भोला और पिट्टू, ये सुल्तान सिंह है स्मॉल टाइम प्रॉपर्टी एजेंट का काम भी करता है, ये काशीगंज UP का रहने वाला है, इसके बगल वाले गांव का है मैसूर विलेज का है ये भोला और पिट्टू है, ये दोनों 3 महीने पहले नौकरी की तलाश में दिल्ली में आए, रघुवीर नगर में रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, इनको भी साथ इन्होंने ले लिया, और उस दिन जो 1 तारीख की दिन में ये वहाँ पर वेट कर रहे थे, जब विक्टिम वहाँ पर नांगले बस स्टैंड में आया ये तीनों ऑटो रिक्शा में बैठे हुए थे, इन्होंने कहाँ जाना है आनंद विहार टर्मिनल, फिर मिनिमम फेयर में ले जाने के लिए ऑफर किए, और इन्होंने ये कहा हम लोग भी आनंद विहार टर्मिनल जा रहे हैं, उसमें जब बैठा है तो ऑन दी वे में बिट्टू ने अपने रिवॉल्वर से इसको फायर किया, तो इसके बैग छीनने की कोशिश किया जब इसने रेसिस्टेंस किया, और बोला ने इसको बट में एक देसी कट्टा उसके पास था उस बट से इसको फोरहेड में मारा है, फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज में फायर हुआ है इसलिए वहाँ पर बर्न मार्क इसके चेस्ट में दिखाई दिया। अभी दलीप सुल्तान सिंह और ये बोला अरेस्ट हो गए, अभी बिट्टू फरार है, और इनसे 6 मोबाइल और एक देसी कट्टा रिकवरी हुई है, इसमें से 2 मोबाइल इन्होंने वहाँ पर लोकल में एक प्रकाश कुमार चावला है उसको बेचा था, वो भी रिकवरी हो गया और प्रकाश कुमार चावला भी अरेस्ट हो गए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। तो सर इन्होंने इसी घटना को अंजाम दी या और भी पहले प्रीवियस और भी इन्होंने कुछ पैसेंजर्स को लूटा ये बता रहे हैं, अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, वो रिमांड में है हमारे पास। तो ये दिन में ऑटो चलाते थे और रात में? दिन में ऑटो चलाते थे और रात में ऑटो ही चलाते हैं, लेकिन ऑटो में इस तरह की रिपोर्ट करते हैं। वेपन एक देसी कट्टा जिससे बट से मारा है वो तो बोला से रिकवरी हो गया, और बिट्टू के पास भी एक देसी कट्टा है और वो अभी फरार है।